हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं Xiaomi Redmi 8A लाइट प्रॉब्लम। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपके फ़ोन में डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है या तो ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारी ये वीडियो है। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कीजिए। चलिए सबसे आ जाते हैं हमारे डिस्प्ले वाले पोजीशन पे। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, तो यहाँ से कुछ कंपोनेंट के थ्रू सप्लाई गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? हमारे लाइट डायोड पे और लाइट आईसीओ में। तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके का कनेक्शन गया हुआ है। तो यदि आपके फ़ोन में लाइट नहीं आता है, कई बार क्या होता है हमारी यही लाइन ख़राब होती है, ऑरेंज वाली जैसा आप देख पा रहे होंगे, एलईडी वाली। तो ये लाइन गई है, कैपेसिटर, कई बार ये दोनों कैपेसिटर में से कोई एक आधा शॉर्ट हो जाता है, कई बार ये रजिस्टर टूट जाता है, कई बार ये डायोड उड़ जाता है, कई बार ये कॉइल उड़ जाता है। तो अभी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके के कनेक्शन है। आपको मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने का ही पर्पज़ है कि आपको मैं कनेक्शन दिखा पाऊँ कि कैसे क्या तब कनेक्शन रहते हैं। तो चलिए, इसी तरीके से कनेक्शन गए हुए अलग अलग आईसीओ में। तो ये वाला था हमारा लाइट आईसी का। अब चले जाते हैं हम डिस्प्ले एलसीडी ग्राफिक्स में। तो ये ग्राफिक्स का सेक्शन कुछ ऐसा है, इस तरीके से गाइस, कि ज़्यादातर कनेक्शन हमारे सीपीयू में जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादातर लाइनें सीपीयू में जा रही है। देख लीजिए आप, ये जो लाइनिंग है ज़्यादातर सीपीयू में ही जा रही है। कुछ वीसीसी वोल्टेज हमको पावर आईसी से भी मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों पावर से वीसीसी वोल्टेज मिल रहे हैं। तो बस आज का टॉपिक यही था गाइस। आप सभी कनेक्शन जीआर वैल्यू वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगला टॉपिक कोई और दूसरी वीडियो का बनाना चाहते हो आप, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर आपको कोई फ़ोन बनाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या तो आप कमेंट्स में करके बताइए अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।